To close your eyes. Get connected with your source. The divinity is within you. We need to reach to our own divinity and tap this infinite source. Om Namo Arahantaram. Om Namo Siddhanam. Om Namo Ayariyanam. Om Namo Vajrayanam. Namo Noi Savasahu. So panchanamokaro sava pava panasaro mangalananja savesim paramam havai mangalam paramam Havai Mangalam. Om Shrimad Kirvana Chakra Sfuta Mukut Tate Devya Manikya Mala Jyotir Jwala Karala Surita Mukurika Krushta Padar Vinde व्याघ्रोरोल्का सहस्र ज्वलधननशिखा लोलपाशाङ्कुशाढ्ये ॐ क्रीं ह्रीं मन्त्ररूपे क्षपितकलिमले रक्ष मां देवि पद्मे रक्ष मां देवि पद्मे रक्ष मां देवी पद्मी. साथी सुमेधा जी, साथी सुमेधा जी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे. मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभु वर दर्शन दे देना. मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभु वर दर्शन दे देना. दर्शन दे देना ओ स्वामी दर्शन दे देना. दर्शन दे देना ओ स्वामी दर्शन दे देना. मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभु वर दर्शन दे देना. मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभु वर दर्शन दे देना. मैं याचक हूं बंदा तेरा तू सबका दाता है. मैं याचक हूं बंदा तेरा तू सबका दाता है. तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है. तेरे हाथ में सारी दुनिया मेरे हाथ में क्या है. तुझको देखो जिसमें ऐसा दर्पण दे देना. तुझको देखो जिसमें ऐसा दर्पण दे देना. मैं आंखें बंद करूं या खोलूं प्रभु वर दर्शन दे देना.
मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभु वर दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा लू आखिर तक ऐसी धड़कन दे देना। नाम तेरा लू आखिर तक ऐसी धड़कन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभु वर दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभु वर दर्शन दे देना। मेरी अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का। मेरी अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक ऐसी धड़कन दे देना। नाम तेरा लूं आखिर तक ऐसी धड़कन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, गुरुवर दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभुवर दर्शन दे देना। दर्शन दे देना ओ स्वामी, दर्शन दे देना। दर्शन दे देना ओ स्वामी, दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभुवर दर्शन दे देना। मैं आंखें बंद करूं या खोलूं, प्रभुवर दर्शन दे देना। क्या पारी वचन प्रस्तुत करेंगे? मध्य मंडल से आप सभी को मेरा जय जय बोला। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे। वो साथ में है मेरी, मैं साथ में हूँ। गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से तगड़ी मैं। जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे चांदनी लांबर में। गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में। जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा। गुरु तेरे बिना एक पगला चला जाता।
श्वासों में समाओ तुझे, अखियों में बसाओ तुझे, जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में, बिन तेरे है गुरुवर लगती हूँ मैं ऐसी, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे शाम बिना बरसे, तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में, जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में, गुरु महिमा है जग में बड़ी, गुरु बैठे अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे समंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। परवाधिराज पर्युषण आज छठा दिवस है, अंतर संवाद का, स्वयं से बातचीत का, स्वयं को देखने और परखने का आज छठा दिवस। सबसे बात करते हैं, सबसे कम्युनिकेशन है, लेकिन स्वयं से संवाद नहीं है। स्वयं से बातचीत नहीं है, स्वयं को नहीं जानते हैं। स्वयं को जानने का, स्वयं से बातचीत करने का, स्वयं को समझने और परखने का अवसर है परवाधिराज पर्युषण। प्रभु की अनंत कृपा बरसती रहती है, प्रभु की कृपा का महामेघ लगातार बरसता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा पात्र ही उल्टा है। परवाधिराज पर्युषण पात्र को सीधा करने का अवसर है, जिससे चुन सके प्रभु की कृपा के मूर्ति अपने। खूब व्यस्त हैं हम, अत्यंत व्यस्त हैं जीवन की उपलब्धियों में, बाह्य जीवन के विस्तार में, लेकिन उसके साथ साथ में अंतस यात्रा का विकास, उसके साथ साथ में अंतस यात्रा और अंतर का विकास। जैसे जीवन की दो पाखें हैं और दोनों सुदृढ़ होंगी तो लंबी छलांग, लंबी उड़ान भर सकेंगे। सैकड़ों वर्ष पूर्व तिब्बत में एक आश्रम था और उस आश्रम में हजारों साधक रहा करते थे। जागा हुआ गुरु था
और उस गुरु के सानिध्य में हजारों लोग स्वयं का अंतस दीपक जलाने का प्रयत्न कर रहे थे। तिब्बत के आउटस्कर्ट्स में एक और छोटा आश्रम बनाया गया, बना एक आश्रम वहां पर, और जिन्होंने वो आश्रम बनाया उन्होंने तिब्बत में वो जो बड़ा आश्रम था वहां पर निवेदन किया कि हमें एक सीनियर साधु, एक स्थविर हुआ साधु भिक्षु जो हमारे आश्रम का संचालन कर सके, आश्रम में जो साधक आएंगे उनको मार्ग बता सके और उनकी अंतस यात्रा का गाइड बन सके, मार्गदर्शन बन सके, आप एक सभी साधु को हमारे यहां भेज दीजिए। तो जो तिब्बत का आश्रम था उसका जो प्रधान गुरु थे उन्होंने सब साधकों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आउटस्कर्ट्स में एक ये आश्रम बन रहा है और वहां पे 10 साधुओं को जाना है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गुरु को बुलाया है, बात तो फैली जाती थी कि आउटस्कर्ट में दूसरा आश्रम बना है और एक साधु को बुलाया है तो 10 क्यों जा रहे हैं, 10 को जाने की आज्ञा क्यों दी जा रही है। प्रधान गुरु भविष्य दृष्टा है, प्रधान गुरु दूरदृष्टा है, प्रधान गुरु कुछ देखने की क्षमता रखता है। और उसने सबको मौन करते हुए कहा कि अभी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा, 15 दिन की यात्रा है, जब ये लोग वहां पहुंच जाएंगे तब मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। अणाय धम्मो, गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके, उनकी बात को स्वीकार करके वो डिस्कशन बंद हो जाता है वहां पर और सब अपना अपना कार्य, अपनी अपनी साधना करते हैं। 15 दिन के बाद में समाचार आता है उस नए आश्रम से, प्रधान गुरु क्योंकि आपका बहुत धन्यवाद है, आपने एक साधु को, एक स्थविर साधु को हमारे यहाँ भेज दिया है जिन्होंने अपना पद संभाल लिया है और हमारा आश्रम अब सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। वो हजारों साधक आश्चर्य में पड़ गए और फिर प्रधान गुरु के समक्ष इकट्ठे होते हैं और कहने लगे 10 भेजे थे आपने, एक कैसे पहुंचा। प्रधान गुरु ने कहा ऐसी ही है जीवन की यात्रा, 10 चले थे और एक पहुंचा। जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचे तो उस गांव का जो मुखिया था उसने उन 10 साधुओं के पास में पहुंचा और कहा कि मुझे भविष्यवाणी हुई है कि जो इस गांव में सबसे पहला कदम रखेगा उससे मेरी लड़की का विवाह होगा, मेरे पास में धन है, संपत्ति है, मैं एक योग्य पात्र की तलाश कर रहा। और 10 में से एक साधु बोला बाकियों को कि अब मेरा जाना ना हो सकेगा, शायद प्रभु की यही इच्छा है कि मैं यहां रह जाऊं, और उस 10 में से एक साधु ने विवाह कर लिया और रह जाता है वहां पर। तीसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां पे राजपुरोहित की मृत्यु हो जाती है और गांव के लोग विनय करते हैं, अनुनय करते हैं कि आप में से कोई एक यहाँ पर पुरोहित बन जाइए नहीं तो हमारा गांव सूना हो जाएगा। कुछ और आगे पहुंचते हैं तो वहां पर नास्तिक और आस्तिक की कोई चर्चा हो रही थी, विवाद हो रहा था, तो उनमें से एक साधु ने कहा कि यहां पर इस विवाद को सुलझाना जरूरी है, मैं आगे न जा सकूंगा। इस तरह से एक के बाद एक, कोई कारण, कोई परिस्थिति और कोई अपने स्वयं के मन के कारण से छूटते गए और एक पहुंचा। भाई और बहनों, हम इस अंतस यात्रा पर निकलते हैं,
पर्युषण पर्वाधिराज में हर वर्ष हम नए संकल्प करते हैं, हम नई प्रतिज्ञाएं करते हैं, नए डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलते हैं फिर थककर छोड़ देते हैं, कुछ दूर चलते हैं और फिर यात्रा अधूरी रह जाती है। कितने ही बार संकल्प है और कितने ही बार यात्रा अधूरी छूट जाती है। यात्रा ये लंबी है, रास्ता ये लंबा है, मंजिल डेफिनेटली सुंदर है, लेकिन मार्ग कभी कभी लंबा लगता है। जैसे मैंने कल कहा था कि 8 कर्म है जिसमें कर्मों का राजा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म है जो हमें मोह से हमें ढक देता है। मोहनीय कर्म के कारण क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, सब प्रकार के कषाय मोहनीय कर्म के कारण से। कोई बुरा बनना नहीं चाहता है, कोई क्रोध करना नहीं चाहता है, कोई ईर्ष्या करना नहीं चाहता है, लेकिन मोहनीय कर्म का कांस्टेंट लगातार निरंतर उदय ऐसा है कि वो क्रोध करवाता है। मोहनीय कर्म का रीजन कारण से क्रोध उदय में आता है और व्यक्ति ना चाहते हुए भी डिस्पाइट मी इन स्पाइट ऑफ माई डिसीजन माई विल आई गेट एंग्री। महावीर को कोई क्रोधित कर सकता है? कैसे भी बड़े झंझावात है कोई महावीर को क्रोधित कर सकता है? हमने कल सुनी महावीर की कथा। परिस्थितियां कोई हमसे बेटर नहीं थी, लेकिन क्रोधित कुछ कोई नहीं कर सकता है। गोशालक जैसा गोशालक छे वर्ष तक साथ में रहा है, और क्या नहीं कहा है गोशालक ने, लेकिन महावीर का इक्विलिब्रियम टूटता नहीं है क्योंकि क्रोध का कारण खत्म हो गया है अंदर से। सत्ता में से मोहनीय कर्म समाप्त हो गया है। मैं आपसे पूछूं कि एक कुएं में हम बकेट डालते हैं, बाल्टी डालते हैं, तो अब क्या निकालते हैं? डेफिनेटली पानी निकालते हैं। अगर दूध का कुआं होगा तो दूध निकलेगा। तो हमारे अंदर में क्रोध पड़ा है, तो जब भी कोई निमित्त आता है वो क्रोध उफन जाता है, क्योंकि महावीर के अंदर से क्रोध का कारण समाप्त हो गया। इसलिए कोई भी निमित्त आ जाए तो महावीर को कोई क्रोधित नहीं कर सकता। साधक कौन है जो क्रोध के कारण होने पर भी क्रोधित ना हो? वो साधक है। कारण ना हो तो हम तो सब शांति हैं। आप ये प्रवचन सुन रहे हैं, पर्युषण का समय है, हम सब शांति हैं। लेकिन जैसे ही कोई आकर अपशब्द कहेगा तो क्रोध का कारण बनता है, निमित्त बनता है और क्रोध बाहर आ जाता है। क्रोध का कारण है मोहनीय कर्म, कषाय का कारण मोहनीय कर्म है। इसलिए साधना जो है उस मोहनीय कर्म को क्षय करने की, शेड ऑफ करने की, खत्म करने की, एलिमिनेट करने की। दो तरह से जीवन जिया जा सकता है। एक तो अंदर से बाहर की ओर यात्रा है और ये बाहर से अंदर की ओर यात्रा है। दुनिया में दो प्रकार के धर्म हुए, एक एथिकल रिलीजन है और एक स्वयं को जानने का धर्म है। कुछ धर्म ऐसे हुए हैं जो नैतिक जीवन को सुंदर बनाने की बात करते हैं। क्रोध मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, और एथिकली हम सुंदर होने का प्रयत्न करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। लेकिन जैन धर्म कहता है कि क्रोध का कारण ही समाप्त कर दो, प्रयत्न ना करना पड़े, सहज ही आप शांत हो जाए। कोई भी कारण आ जाए बाहर में, हम उससे क्रोधित ना हो, उस मंजिल तक, उस स्थिति तक पहुंचना। एक तो हम संकल्प से प्रयत्न करते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी हो जाएगा मैं क्रोधित नहीं होगा, और दूसरी एक स्थिति है कि आप क्रोधित होते ही नहीं है। देखिए दो अलग अलग स्थिति है, एक अंदर में क्रोध है लेकिन संकल्प है कि मैं क्रोधित नहीं होगा। संकल्प है आपका, डिटर्मिनेशन है, आपने व्रत लिया है, पचखन लिया है कि मैं क्रोधित नहीं होगा। भीतर में क्रोध है
लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने संकल्प किया है। तो अंदर में तो गंदगी है, बाहर में हमने उसको पेसिफाई किया है। लेकिन महावीर स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, महावीर कह रहे हैं कि अंदर से ही क्रोध समाप्त कर दो, संकल्प ना करना पड़े सहज हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े सहज हो जाए। महावीर के अंदर से जो प्रेम का दीपक जला है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को देखकर वो प्रेम करते हैं और दूसरे को देखकर वो प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। उनका प्रेम का दीपक जला है तो रोहिणी चोर भी आ जाए, अर्जुन माली आ जाए, राजा श्रेणी का आ जाए या गौतम स्वामी आ जाए, सबको समान है प्रेम उनका। प्रेम ही हो गए हैं महावीर, अहिंसा ही हो गए हैं, करुणा ही हो गए। तो एक संकल्प साधना है और एक सहज साधना है। तो जब तक वो सहजता का दीपक ना जल जाए तब तक तो हमें संकल्प करना ही, हमें एक्सप्रेशन अवॉइड करना है। और धीरे 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 वो हमारा स्वभाव बन जाता है और क्रोध के कारण अंदर से धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते। रास्ता लंबा है, क्रोध तो एक है, मान भी हो सकता है, माया भी हो सकती है, अहंकार भी हो सकता है, कुटिलता कुछ भी हो सकता है, जितने भी हमारे अंदर के विकार है कुछ भी हो सकता है। और इन विकारों को जय करना ही साधना है, इन विकारों पर विजय प्राप्त करना ही साधना है। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है, जब स्वच्छ हो जाएंगे तो वो मिल ही जाएगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मोहनीय कर्म की स्थिति है। सागरोपम यूनिट समझना थोड़ा मुश्किल है मॉडर्न वर्ल्ड में, आप समझिए 70 यूनिट मोहनीय कर्म की स्थिति है। सागरोपम बहुत ही लंबा एक्सटेंशन है जैन दर्शन के अनुसार, जिसको मेजर करना इजी नहीं है। आप समझिए 70 यूनिट है मोहनीय कर्म के, जो सत्ता में पड़े हैं, जो हमारे अंदर में पड़े हैं और अनंत काल से पड़े, पता नहीं कब से ये अंधकार है, पता नहीं कब से ये बीमारी है। आज हम जगे हैं, आज कम से कम दीपक जलाने का प्रयत्न तो किया, आज कम से कम ये तो समझ में आया है कि मैं अंधेरे में हूं। भगवान की वाणी सूत्र कृताम द्वितीय अंग है और उसमें सुंदर अफोरिज्म है, कहते हैं भगवान, बुच्च जती तीव टिज्जा बंधनम परिजानिया, कि तू जान तेरे बंधन क्या है। बुच्च जती तीव टिज्जा, अपने बंधन को जानना फिर तू तोड़ना। बुच्च जती तीव टिज्जा बंधनम परिजानिया, प्राकृत है, सरल है, बंधनम परिजानिया, अपने बंधन तू जान तेरे बंधन क्या है। कम से कम इतनी सुंदर सुबह तो आई कि हमें ये समझ में आया कि हम बंधन में हैं। प्रकाश की ओर रास्ता, प्रकाश की ओर यात्रा करने का पहला कदम है कि ये स्वीकार कि मैं अंधेरे में हूं, मैं जैसा जीता हूं मैं बेस्ट ही जीता हूं, इसमें और कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो अंधेरे में ही रहते हैं। लेकिन प्रकाश का पहला कदम कि स्वीकार कि मैं अंधेरे में हूं, मैं जैसे जीता हूं उससे और बेटर जिया जा सकता है, मैं जैसे जीता हूं उससे और सुंदर ढंग से जिया जा सकता है, इस बात का स्वीकार पहला कदम है। पहला कदम है ये बुद्धि जत्ती। और सबसे सुंदर बात भगवान ने कही कि तुम्हारे बंधन क्या है तुम खोजो। ये तो कुछ बंधन हमें कैटेगराइज करके मिले हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये तो मोटा मोटा कैटेगराइजेशन है। मुझे ही मालूम है मेरे क्या बंधन है, हम ही जानते हैं कि हमारा स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है, हम ही जानते हैं कि जब मैं प्रभु से जुड़ने का प्रयत्न करता हूं तो बंधन क्या खड़ा हो जाता है। रिलीजन इज अ वेरी प्राइवेट अफेयर बिटवीन यू एंड गॉड। Nobody knows your inner world. Only you know your inner world. और हम सबको चीट कर सकते हैं लेकिन inner world को चीट नहीं कर सकते। हम ही जानते हैं कि हमारे challenges क्या है, हम ही जानते हैं हमारा अंधेरा क्या है,
हम ही जानते हैं हमारे फसाद कुछ भी हो सकते हैं। हम एजुकेटेड हैं, हम सिविलाइज लोग हैं, हम एक कल्चर समाज में रहते हैं, तो हम एक फसाद से तो जीते ही है सब। एक हमारा प्रेजेंटेशन है जो विच हैज टू बी गुड एंड इट इज गुड, लेकिन अंदर में मैं क्या हूं मैं ही जानता हूं। और महावीर कह रहे हैं कि तू अपने बंधन को जान और अपने बंधन को तो स्वयं तोड़। मेरा अंधेरा क्या है, मेरे चैलेंज क्या है, मेरे स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या है, और इसीलिए हम बोलते हैं धारणा प्रमाणे पचखा कि आप मत डिस्क्लोज कीजिए, आप मत कहिए किसी को, लेकिन अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अपने बंधनों को हमें स्वयं तोड़ना है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम मोहनीय कर्म की स्थिति है। 69.5 या 69.9 भी जब तक अगर हम तोड़ लेते हैं तब भी अंधेरा है। जब 70 यूनिट पार होते हैं तब प्रकाश की किरण दिखती है। लेकिन तीन प्रकार के शुद्धिकरण भगवान ने कहे हैं। जैसे समझ लीजिए एक ग्लास पानी का है और उस पानी में 70 यूनिट मिट्टी है, तो अब उस पानी को स्वच्छ करके हमें पीना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मिट्टी को हम नीचे बिठा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो पानी रख देंगे और वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर का पानी स्वच्छ हो जाएगा, जैसे वॉटर टैंक्स में होता है। आप कभी भी वॉटर टैंक्स देखिए, उनको क्लीन करिए तो उसमें बहुत सारी मिट्टी नीचे बैठी हुई होती है, तो उस वॉटर टैंक को हम क्लीन, मतलब नीचे मिट्टी बैठी है, ऊपर का पानी स्वच्छ और पानी पी लेते हैं। इसको जैन दर्शन ने उपशम कहा है। हमारे भीतर में सत्ता में पड़ी है गंदगी, लेकिन नीचे बैठ जाती है और जीवन स्वच्छ दिखता है, लेकिन वो उपशम है, नीचे बैठी हुई है गंदगी। एक क्षयोपशम की स्थिति है, वो जो 70 यूनिट है गंदगी के, उसमें से कुछ क्षय, मतलब कुछ एलिमिनेट हो गई, कुछ वो स्वच्छ हो गई और कुछ उपशम हो गई, कुछ नीचे बैठ गई है और पानी स्वच्छ होकर हमने पी लिया है। और तीसरी स्थिति है क्षायिक स्थिति की, पानी में से मिट्टी पूरी निकल गई है और पानी हमेशा के लिए स्वच्छ हो गया है। तो टारगेट तो हमारा वही है कि क्षय हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, पूरा स्वच्छ हो जाए, जैसे महावीर का हो गया है, फिर गंदगी नहीं आती है। एक बार स्वच्छ हुआ कि फिर गंदगी नहीं आती है। तो मोहनीय कर्म की 70 यूनिट जो उसकी जो स्थिति है, उसको हमें धीरे 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 स्वच्छ करना है। टाइम लगेगा, यात्रा लंबी है, लेकिन जैसे बचपन में आप सब राजस्थान से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, वो कबड्डी का खेल खेला करते थे, तू 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 तू, और कौन हारता था, जिसकी श्वास टूट जाती थी वो हार जाता था। तो ये भगवान का रास्ता है, चलना है, श्वास न टूटे। कभी धीरे गति हो सकती है, कभी फास्ट गति हो सकती है, लेकिन चलते रहना है, श्वास न टूटे और श्रद्धा का दीपक जलाए रखना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर आगे मैं स्वच्छ हो जाऊंगा, मैं प्रयत्न जारी रखूंगा। पातंजल योग दर्शन ने एक बहुत सुंदर सूत्र कहा है जो मुझे बहुत प्रिय है। कहता है पातंजल योग दर्शन, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि जो साधना है वो दीर्घ काल तक चलती है, एक दिन में नहीं होती है, दीर्घ काल तक चलती है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, लेकिन कैसी चलनी है, निरंतर चलनी, दीपक बुझना नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा कम रोशनी देगा, हम तेल डालते रहेंगे, स्नेह डालते रहेंगे, दीपक साधना का बुझना नहीं चाहिए। सतो दीर्घ काल निरंतर, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कहा, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, आदर भाव से करना, दीर्घ काल तक करना। ये जिंदगी क्या, और भी कितनी ही जिंदगी चलेगी, लेकिन हमें करनी है। तो दीर्घ काल निरंतर लगातार करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, की सत्कार भाव से करना, मतलब आदर भाव से करना। छोटी भी प्रार्थना करना, 10 मिनट के लिए भी भगवान के साथ में बैठना, लेकिन अत्यंत
सत्कार भाव से, आदर भाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से बैठना, और ऐसा करते करते हमारी साधना दृढ़ हो जाती है। और जब वो साधना हमारा अंतस का हिस्सा बन जाती है, तब वो हमारा जीवन का उद्देश्य बन जाती है, तब उठते बैठते हम उसके बारे में सोचा करते हैं, और वो हमारे जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों में झलकने लगती है। हमें इस पर्युषण पर्व में देखना है कि उद्देश्य क्या है। एक तो बाह्य उद्देश्य है, जीवन को सुंदर करना है, बिजनेस करना है, फैमिली को सेट करना है, बाहर का विस्तार, विच इज ग्रेट, लेकिन ये विस्तार यही रह जाने वाला है। उसके साथ में कुछ ऐसा पाथेय जो मेरा साथी बने, और उस साथी बने और वो मेरी अगली यात्रा का पाथेय बने, और उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। हमने तो सुनी भगवान की वाणी कि ये पुनर्जन्म है, ये जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। कुछ धर्म मानते हैं कि एक ही जीवन है, लेकिन जैन धर्म मानता है अनंत जीवन की श्रृंखला। जैन धर्म ने भले कहा, लेकिन आप मानते हैं, आपकी श्रद्धा है, क्योंकि किसी और की श्रद्धा मेरी नहीं हो सकती है। किसी और ने कहा इसलिए मेरा नहीं है। हमें स्वयं चिंतन करना है, स्वयं मनन करना है, या स्वयं से प्रश्न पूछना है कि भगवान की वाणी पर मुझे 100% श्रद्धा है। भगवान ने तो कहा है कि अनंत जन्म है, लेकिन डू यू रियली बिलीव इन दैट? और अगर हम, और हमें ये स्वयं चिंतन करना है, स्वयं मनन करना है, बैठ के सोचना है कि भगवान जो कह रहे हैं वो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी फिलॉसफी से जीता है, किसी और की फिलॉसफी से हम जी नहीं सकते। हमारी फिलॉसफी क्या है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी हमारा जीवन का क्रम तय करती है। क्योंकि जिस दिन हमने पुनर्जन्म पर विश्वास कर लिया, श्रद्धा कर ली, उसके साथ हमने कर्म सिद्धांत पर विश्वास कर लिया, श्रद्धा कर ली। विश्वास तो छोटा है, विश्वास से और बहुत डीपर है श्रद्धा। और जैसे ही हमने पुनर्जन्म पर श्रद्धा की, तो हमने आत्मा के अस्तित्व पर भी श्रद्धा की। तो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म तीनों साथ में हैं। तो ये श्रद्धा जो है, ये श्रद्धा, जिन वचनों पर श्रद्धा, श्रद्धा है, लेकिन आपका स्वयं की एक, आपका स्वयं का डिसीजन, स्वयं की श्रद्धा कि यस, आई टोटली बिलीव इन दिस। ये जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं है, इतने हजारों हजारों हम एग्जाम्पल सुनते हैं, वो सुनना अलग है, और उसे आत्मसात करके वो मेरे जीवन की श्रद्धा बन जाना, वो अलग है। 99% ऑफ पीपल डोंट थिंक, हम सोचते ही नहीं है, हम विचारते ही नहीं है, सोचने का समय नहीं है, हम बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। सब कॉलेज में गए तो हम भी कॉलेज में गए, सबने डिग्री ली तो हमने भी डिग्री ली, सब यूएस में आ रहे थे तो हम भी आ रहे थे, यहाँ पर सबने स्ट्रगल की, हमने भी स्ट्रगल की, वी आर जस्ट रनिंग रनिंग एंड रनिंग। जरा 5 मिनट बैठ के सोचे तो सही, आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है। अगर हम मानते हैं पुनर्जन्म है, ये श्रद्धा आसान नहीं है, जितनी आसान मैं कह रही हूँ उतनी, बिकॉज श्रद्धा ही ज्ञान है। और अगर हम पुनर्जन्म में मानते हैं, अगर हम कर्म में मानते हैं, तो हम किसी को तकलीफ देंगे क्यों? क्योंकि हमारा तो सिद्धांत तय हो गया कि मैं जिसको तकलीफ दूंगा वो तकलीफ मुझ पर लौट के आएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां सामने आग है, इसमें आप हाथ रख दीजिए, तो हम में से कोई नहीं रखेगा, क्योंकि हम सबको पता है हमारा हाथ जल जाएगा, हम में से कोई नहीं रखेगा। तो हमें पता है कि आग में हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो अग्नि जो है, वो आग है, वो सत्य है, वो हम देख सकते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हमारी श्रद्धा के दीपक से हमें ये पक्की श्रद्धा हो जाती है, श्रद्धा के बल से, कि ये कर्म सिद्धांत है, जैसा मैं बीज बोऊंगा
वो बीज उसका फल मुझे वैसा ही मिलेगा। ये पक्का, अगर ये पक्की ये श्रद्धा है तो हम गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि मैं गलत करूंगा तो गलत मेरे पास में लौट के आएगा। हमारे जो कृत्य है उसकी जब जवाबदारी हम लेते हैं तब हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। एक निमित्त है और एक उपादान है। तो जो साधक है, जो जागा हुआ है, जो धार्मिक है, वो कभी निमित्त की गलती नहीं कहता है, वो हमेशा गलती या भूल या दोष उपादान में ढूंढता है। जैसे भगवान के जीवन की वो घटना हम सबको पता है कि उस ग्वाला ने आकर कान में किल ठोक दी। तो जब ग्वाला ने कान में किल ठोक दी तो भगवान को रोष ना आया, इंद्र उतरे नीचे से और कहा कि भगवान आप तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। तो भगवान बोले स्वयं बंधा हूं स्वयं खुलूंगा, तू ना पूछ मेरे को। किस ग्वाले को तकलीफ मैंने दी है और वो तकलीफ मेरे पास में लौट के आई। जीवन के इन कृत्यों की समग्रता पूर्वक जो स्वीकार करता है वो धार्मिक है। तो हमें डिसाइड करना है कि मेरे जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं उसका कारण मैं हूं या कारण कोई दूसरा है। भगवान ने कहा है वो ठीक है, लेकिन आपको अपनी चिंतन, अपनी मनन, अपनी श्रद्धा डेवलप करनी, मतलब अपनी फिलॉसफी डेवलप करनी और उस हिसाब से अपना जीवन चलाना। फिर हम हर कदम पे रुकेंगे, हर कदम पे प्रश्न करेंगे, हर कदम को हम जागरूक होके रखेंगे। और जब ऐसी श्रद्धा आ जाती है उसको जैन दर्शन ने सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन मतलब ये बोध, ये पहला बोध कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये पहला बोध कि ये जन्म जन्मांतर की ये प्रक्रिया है, ये बोध जो है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें एक यथार्थ सम्यक दर्शन हो सकता है, व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन जिसमें व्यक्ति को श्रद्धा होती है लेकिन अनुभव नहीं होता, और एक यथार्थ सम्यक दर्शन जिसमें व्यक्ति को, साधक को अनुभव होता है आनंद की, आत्मा के अनंत आनंद का अनुभव होता है, उसको यथार्थ सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, व्यक्ति सहज इस रास्ते से चलता है। तो शिष्य पूछता है उसके गुरु से कि मुझे भी सम्यक दर्शन चाहिए, मैं भी सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी उस आत्मा के अनंत आनंद का अनुभव करना चाहता हूं, उस अनंत मिठास का मैं भी अनुभव करना चाहता हूं। तो गुरु कहते हैं कि पहले शरीर की परिधि को तू जय करना, फिर विचारों की परिधि को विजय करना, और फिर भावों को तू जय करना, आत्मसात करना, फिर तू उस सम्यक दर्शन के केंद्र तक पहुंच सकेगा। हमारा सबसे बड़ा संसर्ग कहूं, कम्युनिकेशन कहूं, कॉम्प्रिहेंशन कहूं, वो शरीर है। कितने भी हम आत्मा की बात करें, कितने भी कर्म की बात करें, कितने भी परमात्मा की बात करें, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो बोध है, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो शरीर है। और इतना ज्यादा है कि हम शरीर को ही सिर्फ सत्य मानते हैं। शरीर एक छोटी सी तकलीफ शरीर में, एक छोटा सा एक और पेन, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहां चला जाता है। इतना ज्यादा शरीर से तादात्म्य है हमारा। और ये भी कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, कि शरीर ही है साधन धर्म को प्राप्त करने का। और जब भगवान के गुणों का वर्णन होता है तो उनके शरीर का भी वर्णन होता है। महान पुण्य उदय से इतना सुंदर शरीर, सुंदर मतलब दिखने में तो सुंदर है ही भगवान का शरीर, लेकिन बलशाली शरीर है उनका। वज्र ऋषभ नाराज सहनन उनका शरीर। आसान है 5-5 महीने की तपस्या करना,
और वो भी जंगल में अकेले। हम कल मुझे दादा जी कह रहे थे कि सब तपस्वियों का बहुमान करना है, करना ही है, जरूर करना है, अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन वो अनुमोदना तब करने का बल है। मन को हम प्रेरित करते हैं, शक्ति देते हैं, मन को मोटिवेट करते हैं, और तपस्वी उस बहुमान के एक बल से, उसका अपना बल तो है ही, वो उस तपस्या को पार करता है। लेकिन भगवान के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, भगवान का कोई बहुमान नहीं कर रहा है, भगवान की कोई अनुमोदना भी नहीं कर रहा है, भगवान स्वयं स्वयंभू है, स्वयं ही चल रहे हैं वो, स्वयं की तपस्या के पांच पांच महीने, तीन तीन महीने, दो दो महीने। ताकत क्या है हमारे शरीर में, छह दिन काम करते हैं तो हमें सातवें दिन हॉलीडे, और यूएस में तो पांच दिन ही काम करते हैं, थक जाते हैं। और इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा थके लोग घर में रहने से, हॉलीडे पर नहीं गए, थक ही गए। पर भगवान थकते नहीं है, हॉलीडे नहीं है, 365 डेज साधना करते हैं। इसलिए उनका शरीर कहाँ है, वज्र ऋषभ नाराज सहन बलशाली शरीर है। समच चतुरस्र संस्थान कहा गया, मतलब ब्यूटीफुल बॉडी है, बैलेंस बॉडी है, जैसे शोल्डर्स है वैसे उनका नी का एक्सटेंशन है, सुंदर शरीर है, और महान पुण्य से मिलता है ये शरीर। पुण्य उदय ना हो तो रोगों वाला शरीर मिलता है। इससे स्वस्थ शरीर साधना की पहली सीढ़ी है, स्वस्थ शरीर। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप क्या साधना करेंगे, हम क्या साधना करेंगे, यहाँ तकलीफ वहां तकलीफ, यहाँ दर्द वहां दर्द, कहाँ करेंगे। इसलिए पहली सीढ़ी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, के शरीर को साधना। लेकिन मनुष्य बैलेंस तो रख नहीं पाता है ना, कोई भी एक्सट्रीम में पहुंच जाता है, पर मनुष्य कोई भी एक्सट्रीम में पहुंचता है। और या तो हमने शरीर को हमको लगा कि शरीर में है आत्मा, ये शरीर ही दुश्मन है। इसलिए हिंदुस्तान की, हम नेपाल में काम करते हैं, ओहो मैं देखती हूँ वहां पे नेपाल में अनेक प्रकार के साधु हैं वहां पर, वो शिव जी का जो मंदिर है पशुपतिनाथ, तरह तरह के लोग हैं वहां पर, कोई कोड़ों से पीट रहा है, कोई नग्न हो गया है, कोई विभूति लगा रहा है, तरह तरह के कष्ट दे रहे हैं हम शरीर को, कोई कांटों पर सोया हुआ है। मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। तो एक एक्सट्रीम ये है, जब हमने शरीर को प्रताड़ित किया, शरीर को कष्ट दिया, शरीर को दुख दिया कि शरीर ही है जो मुझे वासना की तरफ ले जाता है, शरीर ही है जो मुझे भोगों में ले जाता है, शरीर ही है जो मुझे भगवान से मिलने नहीं देता। एक ये भी एक्सट्रीम हिंदुस्तान में हुई कि शरीर को हमने तकलीफ दे दी। और जैनों का भी कुछ कम नहीं है। और शरीर को इग्नोर करना, इसलिए हमने अस्वच्छता से हमने दोस्ती कर ली। हमने कहा साधु स्नान नहीं करेगा, हमने कहा साधु एक रीजनेबल सुंदर स्थान पर या स्वच्छ स्थान पर भी नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर को हम, शरीर हमें लगता है कि शरीर बीच में बाधक है। और एक दूसरा भी एक्सट्रीम, हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, किसने देखी आत्मा और किसने देखी परमात्मा। यूनान में हुआ था एक बादशाह नीरो, इतना प्रेम था भोजन से, इतना प्रेम था भोजन से, उसको लगता था कि शरीर तो भोग का साधन है, जितना भोजन कर लूं उतना कम है। एक बार भोजन करता था, एक फेदर था उसके पास में, पंख था, उसको डालता था, वोमिट करता था, फिर खाता था, फिर वोमिट करता था, मतलब टू मच ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ हिज बॉडी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को सुंदर रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। तो या तो हमने शरीर को पूरा इग्नोर किया, या फिर शरीर पर हमारा बहुत कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बुद्ध के समय में एक युवक है, एक साधक है, जिसका नाम श्रोण है। भगवान की बात सुनकर, बुद्ध की बात सुनकर प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, और दीक्षित होते हैं राजकुमार श्रोण। बुद्ध की और महावीर की क्रांति तो देखने जैसी है। महावीर के बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि युवाओं को दीक्षा दी,
उन्होंने कहा कि जब शरीर में तेज है, जब शरीर में शक्ति है, तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। महावीर से पूर्व तो वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम था, और महावीर के समय में हजारों लोग दीक्षित हुए, जो युवा हैं, जो बुलशाली हैं, जो तेजपुर है, तो श्रोण भी दीक्षित हुए हैं। और जब राजकुमार थे श्रोण, तो बड़ी सुंदर वीणा बजाया करते थे। इतनी सुंदर वीणा वो बजाते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और अब भगवान बुद्ध की बात सुनकर श्रोण दीक्षित हो गए, और बस उनको भी लगा कि बस कितनी साधना, कितनी साधना। शरीर कृशकाय हो जाता है, भोजन छोड़ दिया है श्रोण, और इतना भोजन छोड़ दिया है कि एकदम कृशकाय, एकदम दुर्बल कमजोर हो गए हैं और गिर गए हैं भोजन के बिना, क्योंकि जल्दी अंतसात्मा को प्राप्त करना है और भोजन बाधक है, शरीर बाधक है। तो बुद्ध पहुंचते हैं और कहते हैं श्रोण को कि श्रोण तो वीणा बजाया करता था, तो जो तू वीणा बजाया करता था तो उसके तार अगर बहुत ढीले हैं तो उसमें से संगीत निकलेगा। तो श्रोण कहते हैं नहीं भगवान, नहीं निकलेगा। और अगर तार बहुत कसे हुए हैं, बहुत टाइट हैं, तो संगीत निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर तार जो है वो मध्यम रूप से बंधे हुए हैं, कसे हुए हैं, बैलेंस बंधे हुए हैं, बैलेंस कसे हुए हैं, तो ही संगीत निकलेगा। तो बुद्ध ने कहा कि श्रोण ऐसा ही ये जीवन का संगीत है। अगर तू इस एक्सट्रीम में जाकर इतना कृशकाय करता है कि वो शरीर में ताकत नहीं है, तो तू क्या ध्यान करेगा, क्या साधना करेगा? और इतना भोगों में तू गिर जाएगा कि शरीर को तू भोग की सामग्री बना लेगा, तो क्या संगीत निकलेगा? तो इसलिए जैनों में उपवास की भी प्रधानता है और पारणे का भी संगीत है। पारणे की भी हमने महिमा गाई है, क्योंकि भोजन भी जरूरी है और उपवास भी जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, एक्सट्रीम में जाकर हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए देखिए हमारे यहाँ छह आरे हैं, सुषम सुषम है, सुषम है, दुखम है, दुखम दुख दुखम है, फिर दुखम दुखम है। तो जो तीर्थंकर होते हैं वो पहले आरे और छठे आरे में नहीं होते, जब मध्यम है चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं, जब ना जब बहुत दुख भी नहीं है और वहां जहां बहुत सुख भी नहीं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को सबसे पहली परिधि शरीर को जय करना होगा। शरीर हमारे नियंत्रण में, शरीर स्वस्थ है, ये साधना की पहली सीढ़ी। और शरीर का संबंध भोजन से है, इसीलिए जैनों में भगवान महावीर ने 12 तप में से 6 तप भोजन के साथ में संबंधित किए। मतलब भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे भोजन करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अभी 21वीं शताब्दी है, ये न्यूयॉर्क है, बड़े से बड़े रिसर्च हैं, बड़े से बड़े फूड प्रैक्टिसेस हैं, गाइड हैं, डाइटिशियंस हैं, और हम सब ने सीख लिया है कि क्या खाना चाहिए, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने प्रोटीन, तरह तरह के प्रोटीन बार्स हैं, तरह तरह के प्रोटीन पाउडर्स हैं, एंड वी आर वेरी श्योर कितनी कैलोरीज रोज हमें खानी चाहिए, कितनी कैलोरीज हमें बर्न करनी चाहिए, वी आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ दैट। और जैसे जैसे मनुष्य प्रगति करता है, उसको ये सब चीजें और अच्छी तरह से पता लग रही। लेकिन भगवान ने कहा क्या खाना चाहिए ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। क्या खाना चाहिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे खाना चाहिए, रशिया में एक रिसर्च हुई, एक साइंटिस्ट हुए पावलोव, और उस साइंटिस्ट पावलोव ने किया एक ग्लास केज बनाया, और उस ग्लास केज में उन्होंने कैट को रखा, और कैट के सामने उसका जो भोजन है, अनफॉर्चुनेटली रैट उसको रखा, और भी मिल्क रखा होगा, ब्रेड रखा होगा, जो भी रखा होगा, और उस ग्लास केज में कैट वॉज रियली एंजॉइंग
she was really enjoying her food and खा रही थी। इतने में उस पावलोव ने उस ग्लास केज के बाहर पे एक डॉग को छोड़ दिया। बड़ा हिंसक डॉग था एंड डॉग वाज बार्किंग एंड ही वाज अबाउट टू किल दैट कैट। कहते हैं पावलोव अपने रिसर्च में कि कैट ने जब उस बिल्ली ने उस डॉग को देखा तो डेफिनेटली वो डर गई, फियर, टेंशन, स्ट्रेस, और खाना तो छोड़ दिया और अपने को बचाने की कोशिश करती है तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके शरीर में से निकलते थे वो सब बंद हो गए। डॉग चला गया लेकिन वो भोजन उसका साथ साथ 5-5 दिन तक वो डाइजेस्ट नहीं हो सका। तो पावलोव ने अपनी रिसर्च में कहा है कि जब हम स्ट्रेस में खाते हैं, जब हम टेंशन में खाते हैं, जब हम हरी में खाते हैं, जब हम वरी में खाते हैं, सो नो मैटर हाउ ब्यूटिफुल फूड वी आर ईटिंग बट दैट फूड इज नॉट फेवरिंग अस। इससे भगवान ने खाना क्या खाना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है, हमने सीखा है, लेकिन खाना कैसे, भोजन कैसे खाना चाहिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। कई वर्षों पहले मैं यूएस में आई थी और मैंने कुछ युवाओं को देखा था, बड़ी मल्टी कंपनीज में, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज में युवक काम करते थे। टाइम नहीं मिलता था, एक हाथ में बर्गर है, एक हाथ में ड्रिंक है, फिर कॉफी के बड़े बड़े ग्लासेस हैं, वहीं पड़े रहते थे 18-18 घंटे, 16-16 घंटे वो यंग लोग काम करते थे और स्ट्रेस में भोजन हो रहा है, एंजाइटी में भोजन हो रहा है, और वो भोजन इतना सुंदर होने के बाद में भी आज कितने डॉक्टर्स बढ़ गए, आज कितने नेचुरल फार्म्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी दवाइयां बढ़ती जा रही है, क्योंकि भोजन तो सुंदर है लेकिन शायद भोजन करने का तरीका हमारा शायद स्ट्रेस में और एंजाइटी में हो रहा है। भोजन प्रेम भाव से, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, हम इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं शरीर के साथ। इतने प्रोटीन बार, इतने विटामिन बार तो भी हेल्थ क्यों नहीं है, क्यों हेल्थ क्यों नहीं है, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली हमारे हमारे जीवन का हिस्सा स्ट्रेस बन गया है, एंजाइटी बन गया, कहां दौड़ के जाना है। हम विरायतन के यहाँ, विरायतन में यहाँ कच्छ में एक स्कूल है रुद्राणी, 400 बच्चे पढ़ते हैं, 20 वर्ष से लगातार अलग अलग क्लासेस बढ़ती हैं। उन बच्चों का भोजन, उन बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, उन बच्चों का पढ़ना लिखना सब विरायतन की तरफ से, एब्सोल्युटली फ्री स्कूल है। आदिवासी बच्चों की स्कूल है, सैकड़ों वर्षों से वो बच्चे, उनकी जनरेशन इलिटरेट है, उनके लिए मदद करते हैं। बड़ी सुंदर स्कूल है उस स्कूल में, बड़ी आश्रमशाला है वो, 750 आम के पेड़ हैं और एक भी बच्चा एक भी आम नहीं तोड़ता है। तो मैं पूछती हूँ कि बच्चों को कि आम ना लीदा केरी ना लीदी, तो बच्चे कहते हैं कि माता जी जे वस्तु आपे ली ना हो ले भी ना जो, जो वस्तु दी नहीं गई है उसको हम नहीं ले सकते। ऐसे सुंदर संस्कार से वो बच्चे बड़े होते हैं वहां पर। और उस कैंपस में कुछ बहनें रोज काम करने के लिए आती हैं, मैं उनका भोजन देखती हूँ। वहां कुछ कच्छ है, गुजरात है, एक रोटला ले आते हैं, कुछ मिर्ची है, नमक है, कोई ओनियन भी ले आते हैं और छाछ है। सब्जी महंगी है, सब्जी नहीं ले पाते हैं, खिचड़ी खाते हैं शाम को। लेकिन आप उनको देखिए, थोड़ा है भोजन, सीमित है भोजन, लेकिन इतने प्रेम से, इतने प्रेम से वो चटनी है, वो रोटा है और छाछ है, एक एक रोटी के टुकड़े को, छोटे के टुकड़े को इतने प्रेम से, इतने मिठास से, इतनी शांति। मैं उनको पूछती हूँ कोई गोली खाते हो, बोले नहीं कोई गोली नहीं खाते। डॉक्टर के पास में जाते हो, नहीं डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं, और वही नीम के पेड़ की छांव में ऐसे ही सो जाते हैं बिना कुछ बिछाए। तो मैं उनको देखती हूँ, मुझे लगता है समृद्ध कौन है, कौन है समृद्ध। कभी कभी हमारे जीवन में हम जो विकसित जीवन है, पिल्स लेके सोना पड़ता है, कभी कभी नींद नहीं आती है तो हमें सहारे से सोना पड़ता है। सुंदर है गद्दे,
सुंदर है घर, सुंदर है व्यवस्था, लेकिन कुछ और जीवन में आ गया है जिससे वो शांति, वो सुख और संपन्नता हाथ में से निकल जाती है। भगवान कह रहे शरीर माध्यम कल उदर साधना, तो शरीर को साधना, शरीर को साधना। हमारे यहाँ नींद को भी पुण्य का उदय कहा गया। पहले तो ऐसा था कि मोहनीय कर्म में, दर्शनावरणीय कर्म में नींद जो है प्रचला प्रचला, नींद दर्शनावरणीय का उदय है, वो मतलब एक अघाती कर्म का उदय है। लेकिन फिर विकास होता है, फिर चेंज हुआ, तत्वार्थ सूत्र आकर कहता है कि नींद जो है पुण्य का उदय है। शांति से 7 घंटे सो जाना बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, भगवान कह रहे हैं कि पहले शरीर को साधना और शरीर के बाद में आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले मन को साधना। तो पहला हमारा संसर्ग जो है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, वो शरीर के साथ में। और दूसरा हमारा कॉन्टेक्ट, हमारा जो सबसे बड़ा साथी है वो मन है हमारा, हमारे विचार है। आत्मा का तो बोध नहीं है, आत्मा की शक्ति तो अंदर में सोई पड़ी है। जंगल का शेर है लेकिन सोया हुआ है। जैसे आप बिजनेस करते हैं और आप अपना बिजनेस मैनेजमेंट पर दे देते हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट पर देते हैं और आप खुद जो मालिक है वो कहीं और चला गया है, तो जो आपने मैनेजर्स रखे हैं वो बिजनेस चलाते हैं। तो इसीलिए जो मालिक है आत्मा वो तो सोई हुई है, तो मैनेजर कौन है? मन मैनेजर है, माइंड मैनेजर है। तो मैनेजर पूरा ये उपक्रम चला रहा है, लेकिन मैनेजर बड़ा नोटोरियस है। मैनेजर जो है उसको ट्रेंड करना पड़ता है। तो मन जो है, मन बड़ी एक शक्ति है हमारे पास में। लेकिन मन कैसा है, जैसे पूछता है, पूछा गया कि मन कहाँ है, मन कहाँ है, मैं आपको पूछूं मन कहाँ है? तो जब हम खाना करते हैं, ईटिंग, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन की क्रिया एक्टिव होती है, यूर ईटिंग, यूर वॉकिंग। तो जब आप वॉक करते हैं, आप चलते हैं, तो चलने की क्रिया एक्टिव होती है, एक्टिंग एक्टिव होती है। ऐसे ही जब हम सोचते हैं, माइंड, हम जब सोचते हैं तो मन की क्रिया एक्टिव होती है, माइंडिंग कहना चाहिए। मतलब वो मन जो है, सोचने की प्रक्रिया जो है मन है। लेकिन हम लगातार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं। 60,000 विचार एक व्यक्ति, एक मनुष्य एक दिन में करता है, 60,000, और उसमें से 90% आर रिपीट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। तो मन बड़ा पावरफुल माध्यम है हमारे पास में। भगवान ने कहा, जैसे कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे कहा मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, कि मन ही है कारण बंध का और मन ही है कारण मोक्ष का। हमारे पास में 3 शक्तियां हैं, शरीर की, वचन की और काया की, सॉरी मन की, मन वचन और काया। तो शरीर की बात मैंने आपसे की, वचन तो ट्रेंड हो सकता है, लेकिन सबसे जो पावरफुल हमारे पास में शक्ति है वो मन है। सबसे पावरफुल शक्ति मन है। और मैं आपसे पूछूं कि मन की उस पावरफुल शक्ति को ट्रेंड करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? इतनी पावरफुल शक्ति है, हमारा मन बीमार होता है, शरीर बीमार होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम जिम में भी जाते हैं, शरीर को बलशाली करने के लिए हम हर प्रयत्न करते हैं, आराम भी करते हैं, सो भी जाते हैं। लेकिन मन जो उतना ही पावरफुल एक माध्यम है, उसको परिमार्जित, उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं? एक समझ शब्द है, एक समाज शब्द है। समझ कहते हैं पशुओं के समूह को और समाज कहते हैं मनुष्य के समूह को। मननाथ इति मनुष्य है, मनुष्य जो मनन कर सके, जो चिंतन कर सके वो मनुष्य है। बड़ी शक्ति है हमारे पास में। इतने बड़े आविष्कार हुए, इतने बड़ा साहित्य का निर्माण, इतना स्थापत्य का निर्माण, ये सब मन की शक्तियों के कारण हुआ। और हमारा मन जो है ना कैमरे की तरह काम करता है।
आप कैमरे के सामने कोई फोटो ले, कोई चीज वो क्लिक 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 करके, वो जो भी क्लिक करता है उसके हार्ड डिस्क का हिस्सा बन जाती है। अभी वो चिप लेते हैं ना, चिप में वो क्लिक हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर जब चाहे आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही मन जो है, जो भी सामने आता है कैमरे की भांति उसको क्लिक कर लेता है और हमारे अंतर जगत का वो हिस्सा बन जाता है। जब वो पॉजिटिव क्लिक कर सकता है और वो नेगेटिव भी क्लिक कर सकता है, वो शुभ भी क्लिक कर सकता है और वो अशुभ भी क्लिक कर सकता है, दोनों ही क्लिक कर सकते हैं, दोनों क्लिक कर सकते हैं। तो हमें ये चूज करना है कि हमारे सामने क्या आ रहा है और हम उसको कैसे क्लिक करेंगे। हमारा ध्यान नहीं है। और ये जो व्हाट्सएप है, इससे मैं कहती हूं सोच कर सोचना कि हम क्या सोचते हैं, सोच कर देखना कि हम क्या देखते हैं, सोच कर सुनना कि हम क्या सुनते हैं। क्योंकि जो भी हम वॉट एवर वी टेक इन, इट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। हमको लगता है क्या हो गया, कुछ तो नहीं, एक व्हाट्सएप ही तो पढ़ा है हमने, लेकिन वो व्हाट्सएप हमने पढ़ा है और वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंतस्तगत का हिस्सा बनती है। कैनेडा में एक छोटे से गांव में, बड़ा शालीन गांव था, तो उस गांव में कोई टेलीविजन नहीं था, तो गांव को लगा कि हम तो आउटडेटेड हो गए हैं, हमारे पास में तो कोई साधन नहीं है, तो वो टेलीविजन ले आए, कोई बात नहीं ले आए। अब वो रिसर्च वहां पर हुई और 160% वायलेंस रेट उस गांव में बढ़ गया, बिकॉज पीपल वर वॉचिंग वायलेंस, ऑल द टाइम पीपल वर वॉचिंग वायलेंस। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हम वायलेंट हो जाते। तो हम क्या दे रहे हैं अपने मन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शरीर को साधना है और मन को साधना है। कल मैं बात करूंगी कि मन को हम कैसे साध सकते हैं, क्योंकि मन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मन जब तक आत्मा की शक्ति सोई हुई है, मन की शक्ति से ही हमें संकल्प करना है, इससे मन को पावरफुल बनाना है, मन को ट्रेंड करना है, मन को परिमार्जित करना, और मन को परिमार्जित करना ही साधना है, मन को सुंदर बनाना ही साधना है, मन को एक्टिवेट करना ही साधना है, पॉजिटिव वे में एक्टिवेट करना ही साधना है। तो आज समय हो गया है, मैं कल बात करूंगी मन पर कि हम मन को कैसे परिमार्जित करेंगे, कैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, और साधना में इस महाशक्ति का हम कैसे उपयोग करेंगे। तो मैं आज बात को यहाँ विराम देती हूँ। किसी को एक आध कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मंगल पाठ, और कल मैं बात करूंगी मन के। अच्छा, मदन भंडारी जी का प्रश्न है कि मोहनीय कर्म क्या है और हाउ डू यू इराडिकेट इट। मदन जी का प्रश्न है कि मोहनीय कर्म क्या है, वो कैसे बंधता है और कैसे उसको हम छुड़ा सकते हैं। जैसे मैंने कहा भंडारी जी, कि मन जो है, मोहनीय कर्म जो है, वो कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है, और मोहनीय कर्म, देखिए, जिस जैसे क्रोध मोहनीय कर्म है, माया मोहनीय कर्म है, लोभ मोहनीय कर्म है, ईर्ष्या मोहनीय कर्म है, ये सब मोहनीय कर्म के प्रकार। तो इनसे विपरीत हम जब चीजें करते हैं, जैसे क्रोध को हम क्षमा से जीतते हैं, ईर्ष्या को हम समभाव से जीतते हैं, हम घृणा को प्रेम से जीतते हैं, तो जब हम विपरीत भाव करते हैं तो मोहनीय कर्म को हम शेड करते हैं, उसको हम क्षय करते हैं, उसका हम क्षयोपशम करते हैं। तो ऐसे सत्ता में अनंत कर्म पड़े हुए हैं अंदर में, हमारे लिए डिमार्केशन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सात कर्म है वो हमेशा उदय में, कॉन्स्टेंटली उदय में है सात कर्म। तो मोहनीय कर्म है वो हमें क्रोधित करता है, मोहनीय कर्म हमें शालु करता है, मोहनीय कर्म हमें खिच 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 देता है। तो मोहनीय कर्म कैसे छूटेगा, किसी के लिए प्रेम से साधन उपलब्ध करना मोहनीय कर्म कम होता है। जैसे कल मैंने कहा था, अनुमोदना से ईर्ष्या कम होती है,
कोई अच्छी चीज है तो बोल ही देना अच्छी है, प्रशंसा करी देना किसी की, तो जो अनुमोदना से है वो ईर्ष्या भाव कम होता है, क्षमा करने से क्रोध कम होता है। अगर हमारी ईगो बीच में आती है तो हम क्षमा भी नहीं कर सकते हैं, तो प्रयत्न पूर्वक क्षमा करने से क्रोध कम होता है। तो जो जो को भाव है उसके विपरीत पॉजिटिव आचरण करने से ऑटोमेटिकली मोहनीय कर्म कम होता है, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं वही वृक्ष बनता है। तो अगर हमने प्रेम करुणा मित्रता के बीज बोए हैं तो वही वृक्ष हमको मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि गज सुकुमार को मिट्टी की पाल बांध के अंगारे रख दिए, वो एक्शन पर रिएक्शन है, एक्शन पर रिएक्शन है, जो साधक के वो एक्शन रिएक्शन की चेंज को तोड़ता है। तो हमें प्रयत्न पूर्वक, लेकिन हम संसार में फंसे हैं ना, संसार का गणित कैसा कहता है कि तू गलत तो मैं गलत, तू अच्छा तो मैं अच्छा, पर भगवान का गणित कहता है कि आपका रास्ता जो भी है लेकिन मेरा रास्ता फिक्स है। हमें तय करना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, संसार चाहिए कि भगवान चाहिए, संसार की सिद्धि चाहिए या भगवान की सिद्धि चाहिए। भगवान का गणित थोड़ा अलग है, भगवान का रास्ता थोड़ा अलग है। तो अगर हमें जिस कारण से बंधता है मोहनीय कर्म, उस कारण को अगर हम छोड़ते जाते हैं तो मोहनीय कर्म अपने आप शेड होता है, शेड ऑफ होता है, क्षय होता है, क्षयोपशम होता है। आपने बहुत सुंदर मेरी बात प्रेम से सुनी है, कल मैं मन की बात करूंगी, आचार्य की कुछ सूक्तियों की बात करूंगी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि विरायतन क्या काम करता है, मैं थोड़ी सी उसकी भी बात 10 मिनट करूंगी आपके साथ में। कल सुबह का प्रवचन अंतिम प्रवचन है, और फिर कल शाम को मतलब आपकी फ्राइडे सुबह अपने आलोविना करेंगे। ये शिखर दिन होता है, संवत्सरी शिखर है, ये 7 दिनों में हम जो तैयारी करते हैं उस तैयारी की जो पराकाष्ठा है वो संवत्सरी को होती है। हम तैयारी करते हैं कि हम क्षमा मांग सकें, हम तैयारी करते हैं कि हम अपनी गांठों को खोल सकें, हम तैयारी करते हैं कि हमारा जीवन स्वच्छ निर्मल, कम से कम कांटे तो छोड़ दे, सबसे मित्रता न बना सके इतनी हिम्मत ना हो तो कम से कम हम कांटे को छोड़ दे। जिंदगी थोड़ा सा बस पानी के बुलबुले जैसा है, आज है और कल नहीं है, बस हम खुशियां समेटे, आनंद समेटे, शुभ भाव समेटे और शुभ की खेती करें, शुभ की खेती करने वाले किसान बने जिसमें हम फसल उगाए प्रेम करुणा और मित्रता की। इस भाव के साथ में मंगल पाठ, ठीक है डागर जी, मंगल पाठ कहेंगे बस जी? हाँ मंगल पाठ जी। आपको कल के कार्यक्रम के लिए कुछ और सूचना देनी है डागर जी? हाँ, कल अपने जो प्रोग्राम रखेंगे महाराष्ट्र का व्याख्यान 8:30 से 9:15 बजे तक, 9:15 से 9:45 तक अपन तपस्वी अनुमोदना और पक्षकान का प्रोग्राम रखेंगे। सभी तपस्वियों से रिक्वेस्ट की है वो प्रोग्राम ज्वाइन करें, उसके बाद आरती और मंगल। ठीक है, आज का पचकान, आज का छठा उपवास जिसका भी है वो हाथ जोड़ लेंगे। चौद भत्तम उगय सूर्य चौद भत्तम पचखामी तिवियम पी आरम अस्तम खाइमम साइमम अनंतना भूगेन सहस्रागारण सब सवाही मात्रागारण अपाणम ओसिलामी। आज का अब शायद एक दूसरा उपवास किसी का होगा, किसी को अठम करना होगा, तो आज दूसरे उपवास का पचखान उगय सूर्य छठम भत्तम पचखामी तिवियम पी आहारम अस्तम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारण सब सवाही महत्यागारण अपाणम ओसिलामी। किसी का बेला करने का भाव है तो आज का पहला उपवास का पचखान उगय सूर्य अपथटम पचखामी तिवियम पी आहारम अस्तम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारण सब सवाही महत्यागारण अपाणम ओसिलामी। आज का एकासना उगय सूर्य एकासना पचखामी एकल डाला उपरांत तिविहम पी आहारम अस्तम खाइमम साइमम अनंतना भूगेण सहस्रागारण सब सवाही महत्तागारण अपाणम ओसिलामी। बस आपके लिए आज और कल का दिन है, और परसों तो है आपकी संवत्सरी है, तो बस 3 दिन है, आज का कल का और परसों का, जितनी साधना कर सके, जो भी आप लाभ ले सके और थोड़ा अंतर्मुखी हो सके, इसके लिए हम जरूर जरूर प्रयत्न करेंगे इस मंगल भाव के साथ में मंगल पाठ। नमो अनंतार्णम नमो सिद्धार्णम
नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम एसो पंच नमोकारुं सब पावपनाशनम मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गाक्षयं यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनःप्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जय सुशासनं शान्ति शान्ति शान्ति।